उसको ऊपर कीजिए। मंडप अब तक तैयार नहीं हुआ, कब तक तैयार होगा? बस अब आधे घंटे में पूरा हो जाएगा, जल्दी कीजिए वरना लोग आ जाए। जी साहब। अरे भाई वो सब सामान वहां से हटाए कि नहीं, हटाइए उसको वहां से। चलिए साहब, महाराज गेस्ट हाउस से ही निकलेगी। अच्छा सुनो राकेश, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है? विष्णु का अच्छी तरह से ख्याल रखना। अरे अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पूजा की थाली में नारियल रखना, और जल्दी जल्दी में मैं रसोई में भूल गया था, बस मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ जल्दी जा। काना पंडित को फोन करो, वो कब तक आएगा? अरे दामिनी, दामिनी हम विष्णु तो से, हम क्या सोच रहे थे, विष्णु का कोई अपना तो है नहीं, तो हम भी आ जाते ना उसकी तरफ से। वो क्या है ना जी, हम ना बारात में खूब नाचेंगे, खूब मस्ती करेंगे, और खातिरदारी होगी सो तो अलग। क्या है ना, लड़की की शादी में तो काम कभी खत्म ही नहीं होता है ना जी। हाँ हाँ रोहिणी, तुम मीठी की तरफ से भी हो और विष्णु की तरफ से भी, ठीक है? अरे माजी भी कहते हैं थैंक यू दी। हाँ अम्मो एक सेकेंड, ये हम मीठी के कमरे में रख के आते हैं। ठीक है ठीक है। मीठी मीठी, ये आपके गहने। मीठी ये देखिए, ये डिजाइन याद है आपको? आपको पसंद ही ना ये डिजाइन? हमने स्पेशली जयपुर में कारीगर को ऑर्डर दिया था इसके लिए। सरप्राइज है आपके लिए। क्या हुआ मीठी, कोई बात है? समझ में नहीं आ रहा मासी, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं अतीत को, आकाश को अभी तक भुला नहीं पाई मैं। आप ये बताइए मैं क्या करूं मासी? आप यहाँ आइए बैठिए, आप दो मिनट। मीठी हम जानते हैं कि आपने ये फैसला बहुत मुश्किल से लिया है, लेकिन लेकिन पूरी जिंदगी ऐसे तो नहीं काटी जा सकती ना। आपने तो उससे दिल से प्यार किया, लेकिन उसने ये जो आप करने जा रही है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन आगे आप बहुत खुश रहेंगी। एक बार अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए कि ये सही है। हमारा दिल कह रहा है कि अब जो भी कर रही है वो सब सही है। बाकी आप अपने दिल की सुनिए, आपका ये फैसला गलत नहीं होगा। हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, और हमें भी ढेर सारी तैयारियां करनी है। यहां क्या कर रहे हो? हमने सुना आपने जाने की इजाजत ले ली है सबसे। फिर यहाँ क्यों रुके हो आप? खुश है वो अपनी जिंदगी में? खुशी से इस रास्ते पर चल पाती तो खुशी होती मुझे। काश आप वो देख पाती जो मैं देख पा रहा हूँ। घर में सबसे तो मिल ही चुका हूं, बस आपका इंतजार कर रहा था। मीठी की शादी होते देख आप खुश हो रही हैं। भगवान से यही दुआ करूंगा कि आपकी ये खुशी हमेशा रहे। मैं जानता हूं कि इच्छा मां का दिल आप में, लेकिन माफ कीजिएगा मीठी को समझ नहीं पाई। जहां भी रहो खुश रहना, हमारा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा।
अरे विष्णु बेटे, विष्णु बेटे, आपने कुछ खाया कि नहीं? किचन में गरम गरम पकौड़े चाय के साथ बैठ के खाते हैं। किसी से कहिए मत, अभी ले आते हैं। अब तो ये आकाश इस घर से जा ही रहा है, फिर इस शादी का मतलब ही क्या है? मुझे अभी इसी वक्त मीठी से बात करनी चाहिए। अरे विष्णु जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप इधर आइए ना, हमारी तो कोई मदद ही नहीं कर रहा है जी। वो मम्मी पूछ रहे थे कि हम आपकी शादी में ये साड़ी पहने या ये वाली साड़ी पहने। वो क्या है ना जी, हम तो आप ही की तरफ से है ना, हम तो बारात में खूब नाचेंगे। हाँ जी, बताइए ना कौन सी साड़ी पहने हम? ये वाली पहन लीजिए। विष्णु, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तुम अब तक तैयार नहीं हो? अरे बाहर कब से गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है? गेस्ट हाउस जाना है कि नहीं? क्या बात है विष्णु, क्या हो? कुछ नहीं बहू, आप चिंता मत कीजिए, मैं बस जा ही रहा था, मैं पहुंच जाऊंगा। पक्का जी? हाँ राकेश। हाँ विष्णु, अभी आ रहे हैं। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अभी तक तैयार भी नहीं हुए, आपको तैयार होकर यहाँ? जी बस जा ही रहा हूँ, वो मेरी शादी के कपड़े हैं ना। वो मुक्ता ने आपके कपड़े नहीं भिजवाए, हमने मुक्ता को दे दिए थे, अभी चेक जी कर। वो मैं एक्चुअली मैं सोच रहा था कि बस दो मिनट के लिए एक बार मीठी से बात कर लूँ, बहुत जरूरी बात करनी है। मीठी से क्या बात करनी है आपको? दो मिनट बात करने के लिए आप यहाँ तक आ गए? आप शायद ये रस्म जानते नहीं है, शादी से पहले दुल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिल सकते, तभी तो प्यार बढ़ता है एक दूसरे में। अब कुछ ही देर की तो बात है, उसके बाद तो मीठी के साथ ढेर सारी बातें करते ही रहना जिंदगी भर आप। जी बस दो मिनट। दो मिनट नहीं, एक सेकंड नहीं। आप जाइए जल्दी से तैयार होकर, मीठी को लेने आइए यहाँ पर, हमें भी बहुत सारे काम है, आपकी स्वागत की तैयारियां करनी है। चलिए जाइए यहाँ से, हम मुक्ता से पूछते हैं आपके कपड़ों के बारे में, उन्होंने पहुँचाए कि नहीं, हमें भी ढेर सारे काम है। अम्मो मुझे मीठी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, हे भगवान मैं क्या करूँ, ये कैसी कश्मकश है जिंदगी की। काश मैं आपको अपनी दिल की बात बता पाती। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैंने जो फैसला लिया है क्या वो सही है या गलत? माँ मेरा तन यही कहता कि आकाश सही है, उसका प्यार सच्चा है, सब कुछ छोड़ छाड़ के लौट जा बैठी उसके पास, थाम ले उसके। लेकिन दिमाग दिमाग तो यही कहता है कि तू सब कुछ कैसे भुला सकती है बेटी, आकाश ने तेरे साथ जो कुछ भी किया वो माफी के लायक है नहीं। हमें रास्ता दिखाई, हमें सही रास्ता दिखाई, मुझे हिम्मत दीजिए, हिम्मत दीजिए। अरे भैया जो मोगरे हैं, कैसे दे दे 1200 रुपए? हैं गांव खेड़े से आए हैं क्या? लूट मचा रखी है। मौसी जी, जोगी बेटा देखिए ना, वो टैक्सी वाला हमको
पैसे 8, 11, 1200 रुपए दे दो। मैं जाके टैक्सी वाले को संभालता हूँ। हाँ जरा वो हमारा सामान भी लेते आना। जी आइए आइए अंदर।